शान पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों मेरे यानी शालू वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किसानों का धरना चल रहा है, किसान परेशान ने क्योंकि तीन बिल पास हो चुके ने जिन्होंने लैके अज हर एक किसान दुखी नजर आ रहा है। जेकर गायकों की भी गल की जाए तो किन्ने ही यहोजे गायक ने जो किसानों के हक के लिए खड़े हुए और उस धरने के शामिल हुए। पर जेकर पंजाबी गायक अनमोल गगन मान की गल की जाए तो पंजाबी गायक अनमोल गगन मान गायकी के नाल नाल हमेशा ही किसानों के नाल खड़े होंदे हुए नजर आए हैं। हमेशा ही उन्होंने जो साड़ी पंजाब सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो उन्होंने सही नहीं लगता उसके खिलाफ अनमोल गगन मान हमेशा ही बोले ने। हुण अनमोल गगन मान एक बार फिर किसानों के हक के खड़े हुए हैं, धरने के शामिल हुए हैं। आओ तुम दिखाने की कह रहे हैं अनमोल गगन मान। शासक जितने गंदे कानून लगाने की कोशिश की है तो पंजाब का इतिहास जाके देख ले कि उनका क्या हाल है। सो जितने भी हमारे अकाली दल कांग्रेस वाले उनका साथ दे रहे हैं, पूंजीपतियों को हमारा पंजाब बेच रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारा खून का कतरा कतरा बह जाएगा, पंजाब को हम गुलाम नहीं होने देंगे। सो वक्त रहते हुए मोदी संभल जाए, नहीं तो जो बगावत होगी वो सब देखने को मिलेगी। मसले तो मसलों से भरा हुआ है पंजाब में, तो मसले निकाले इन्होंने जितने 70 साल से जो गद्दार हमारे देश पे राज कर रहे हैं, इन्होंने मसले ही खड़े किए हैं पंजाब में और अच्छा काम तो कुछ किया नहीं है। लेकिन आज जो इस टाइम इन्होंने बिल्कुल ही जो मिट्टी होती है किसान की माँ होती है, अब जब माँ को ही जो बेचने पे तुले हैं तो अभी तो हद कर दी है ना। अभी हम अपनी जमीन को थोड़ी इनको देखी, हम वहाँ पे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेकर आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती करो, ठेकेदारी की खेती करो, हमें दे दो जमीन।
कभी एमएसपी खत्म कर रहे हैं, तो क्या क्या इनका जो तीन ये लेके ऑर्डिनेंस लेकर आए हम तीनों का सख्त विरोध करते हैं। सो मोदी को मैसेज देते हैं कि इसको अपना हंकार को तोड़ लो और इसको वापस ले लो, नहीं तो जो हालात इससे बाद हम दिखाएंगे उसके जिम्मेवार तुम हो, तुम्हारी गंदी राजनीति। नहीं, उनको शर्म नहीं है ना, ये मोदी है, ये हंकारा हुआ है, इसको लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा, अगर कोई जम्मू कश्मीर में नियम बना दिया तो मैंने कर दिया तो कर दिया, ये कर दिया नहीं है। जो जिस देश में तू प्रधानमंत्री है ना, जो हमारे पंजाबी की पंजाबियों की कुर्बानियों से है, हमारे पंजाबी यहाँ से जो बॉर्डर पे जितने शहीद होते हैं ना उनमें से हमारे पंजाबी हैं, औरों से पंगा ले लिया वो तेरे से तेरे आगे चुप हो गए, हम पंजाबी नहीं होंगे। पंजाब के किसान मालोमाल हो जा रहे ने, खेती च क्रांति आ रही है, इन्हू पुछो भी केड़े मालोमाल हो के बंदा आतंकवाद दी गोलियां खा लेगा, सरकारों के खून मिल जाए बाल चुपाहा खा लेगा, ये केड़ी क्रांति है जेड़ा किसान दिन रात विरोध कर रहे हैं। पहले तो बुजुर्ग सी, हुण ते नौजवान पीढ़ी भी नाल उतर रही है, जेड़ी किसानी दे वतन सेना भी गंदियां नीतियां करके किसानों कहते कि मैं नहीं तो नौजवान इस पास आ रही है, पर यह असं नहीं भुलना कि जो पंजाब है किसानी के सिर से है, अज जड़िया गड्डिया यूनिवर्सिटियों के बच्चे अभी पढ़े हैं वो साढ़े बुजुर्गों की सेनाइया खेतों से चुकना हो गया ने सारिया। मोदी कदे साडे पंजाबियों नाल हमदर्दी प्यार मुहब्बत वो है ही नहीं सी, इस बंदे ने हमेशा पंजाबियों नाल खार खाधी है, हर तरीका वरत्या पर भ्रष्टाचार इन्होंने मंत्रियों ने किया, पर हम तो सीधे ही हट च छुरा मार देना, शर्म ही राती पदा रोण साडी मां दे चन्न जमीन किसान की मां होंगी है, कहते जो तीन आर्डिनेंस आए ने तीन किसान भी बड़े फायदेमंद ने, सौरा हरसिमरत के पति देव सुखबीर बादल के हरसिमरत आदरी बड़े फायदेमंद है, जब किसानों अग मूहे होंगे देखे इन्होंने लग गया पता भी हम किसान सामू पिंडा च बढ़ने नहीं देंगे, फिर इन्हें शर्म शाह मोदी ने अस्तीफा दिता, अस्तीफा देकर भी कहती किसान नहीं दिता उन्होंने मेरा वजूद नहीं, क्योंकि किसान ने मजबूर करता सारे बिल बड़े चंगे से, सामू ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार गुलाम बनाया थी, तो जरा इन्होंने मानो माल किसान ने नहीं होना सी, मानो माल होना सी अडानी अंबानी ने, इन्होंने बैंक बैलेंस भरने थी बादल ने, इन्होंने उतारिया भेड़ा ने आपके निजी फायदे ने साडा पंजाब देखता, 70 साल वेखते रहे किसान चुपचाप देखते रहे, पर इस बार इन्होंने हथ चकती, पर मोदी हंकार हुए, मोदी को जाके दस दे कि पंजाबी कौम है, कौम है जिन्हें जन्म शासकों का की हाल किया, जरा इतिहास खरोड़ के देख लो, नहीं तो जो ताजा बेचारा नजारा वेखना तो ऐसे जगह से अड़िया रही तो तेन दसागे कि पंजाबी की कहते हैं की कर सकते, जे असी जे साडे बजुर्ग खेतों पसीना बहा सकते असी दुकान खून भी बहा सकते हैं, ये हंकारा हुआ लगता मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी पावर बहुत ज्यादा है, पावर तेरी जेड़ी भारत का तू प्रधानमंत्री बनिया फिर वो आजादी साडे पंजाबियों दी कुर्बानियां नाल आई है, जेडे अज बॉर्डर ते मुंडे शहीद होंदे ने वो साडे मुंडे शहीद होंदे ने, उन्हां दीआं जेड़ीआं शरीर ने देह ने पंजाब दी सब तों ज्यादे होंदीआं जदों बॉर्डर ते इन्हां दे मूहे उत्थे भी पंजाबी दी करदे ने, सो इह आपदे वहम पालणे बंद करदे इक नाल इक खड़का देंगे, नौजवाना ने जिम्मे एक बुजुर्ग या 10 करोड़ पिछले मोटा ला के अज इन्हों साड़ आ सारी उम्र इन्ह ने खून पसीना एक करके खेती बाड़ी की, अजे साड़ी खेती पंजाब की धरती बेचन लगे ने, सानू गुलाम बनाने लगे ने, गुलाम असी बनते नहीं है, सानू जिथे सामू की लोड़ पी जिथे पहला कुर्बानिया कीतिया हो कर देंगे, यह जिंदगी का की जाना जिथे सानू गुलाम बना के रखना चाहते हैं, सो डटे रहो हार ना मनो, कृपा करके नौजवान पीढ़ी जिन्हें कहते खड़े हो आ होर काम भर।
जी हाँ, यह वीडियो है अनमोल गगन मान की। अनमोल गगन मान धरने के बैठे ने अते किसानों के हक के बोल रहे ने। अनमोल गगन मान ने अपने वालों जो भी कहा वो अपने पक्षों बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। एक पासे केंद्र सरकार की गल की जाए तो केंद्र सरकार हले किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुन रही। बाकी पूरी वीडियो तो बाद कहना चाहते हो कि यह तीन बिल किसानों के लिए सही ने या गलत ने, अपने वालों अपने सुझाव की देना चाहते हो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना।